डियर स्टूडेंट्स, 10 नए टॉपिक्स 10 सब्जेक्ट से आज फिर से हम लोग करेंगे। इन चुने हुए टॉपिक्स को करने के पीछे उद्देश्य यह है कि बीपीएससी के पिछले सालों के अगर पैटर्न्स को आप देखें तो आप पाएंगे कि कुछ टॉपिक्स रेगुलर बीपीएससी में दिखाई दे जाते हैं, जैसे योजना आयोग, ग्रीन रिवोल्यूशन, कुछ क्रांतियां जैसे भूरी क्रांति, श्वेत क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन एटसेट्रा, विटामिन्स, गोल में सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, आज़ाद हिंद सरकार, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी में रेगुलर दिखाई दे जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि ऐसे चुने हुए 500 टॉपिक्स अगर कर लिए जाएं, तो एक तो ये हमारे क्वेश्चंस के पूल को तैयार करेंगे, साथ ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी ये बड़े हेल्प करने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को चुने हुए रूप में करने का उद्देश्य यही है। चलिए आज के 10 इन टॉपिक्स को देखते हैं जो आज चुने गए हैं कि ये कौन से हैं और हमें इसे किस तरह से करना है। हिस्ट्री के 2 टॉपिक्स, 2 साइंस, 2 ज्योग्राफी, 1 पॉलिटी, 1 इकोनॉमी, उसके बाद 1 जीके और 1 बिहार, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। देखिए, हिस्ट्री से आज हमने जो पहला टॉपिक लिया है वो है अशोक। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को किया था, इस बार हम लोग अशोक को कर रहे हैं। अशोक एक बड़ा टॉपिक है और बेहद खास और इम्पॉर्टेंट है। अशोक का आपको करना है शुरुआती जीवन, इसकी पत्नी कौन थी, इसके पुत्र का किस अभिलेख में इसकी पत्नी और पुत्र का नाम आता है, कलिंग वॉर करना चाहिए, अशोक का धम्म करना चाहिए। इस समय देखिए मौर्य प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक व्यवस्था इसका आपको करना होगा। साथ ही इसके जो प्रमुख अधिकारी हैं ये एग्जाम्स में दिखाई दे जाते हैं, जैसे समाहर्ता, सन्निदाता, सीताध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, रज्जुक युक्त प्रदेष्टा, तो ये सब जासूसों को हम क्या कहते थे, जैसे महामात्या, सर्प, संस्था, संचरह, ये सब जासूस थे, तो ये सब आपको करना है। मेगास्थनीस को थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, उसने जो कुछ कहा है, आर्थिक जीवन, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये करेंगे, और आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ जिसमें अशोक का पिलर आपको करना चाहिए। तो ये अशोक में आप कर लें, पेज नंबर लूसेंट में 10 से 11 और क्रॉन में पेज नंबर 28 पे ये अच्छा खासा दिया हुआ है, कॉन्साइज फॉर्म में है। कुछ लोग ये कहते हैं कि लूसेंट पढ़ने से किस तरह से बीपीएससी निकलेगा, तो हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम इतना तो हम जान लें कि इन टॉपिक्स में क्या है। डेप्थ में पढ़ने का समय भी बहुत बार नहीं मिल पाता, तो लूसेंट में और क्रॉन में अगर कंबाइंड फॉर्म में आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बन जाएंगे। दूसरा टॉपिक, इसके क्वेश्चन भी आप देख लें, अशोक से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं वो इस तरह के हैं, तो ये क्वेश्चन देखकर आपको अंदाज लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दूसरा टॉपिक देखिए, हम लोगों ने गोल मेज सम्मेलन पे किया है। यहां पे अगर आप देखेंगे लूसेंट में पेज नंबर 49 और क्रॉन में 106 और 107 पर दिखाई देगा। आप गोल मेज सम्मेलन एक रेगुलर क्वेश्चन है एग्जाम में, 1930, 31, 32 तीन सालों में 3 लगातार गोलमेज यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए। यहाँ पर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी देखने के बाद पता चलेगा, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो गोलमेज सम्मेलन पूछ रहा कि किस साल हुआ था, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो कभी कभी टफ क्वेश्चन भी आते हैं, वो आप कवर करेंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपको ज्योग्राफी से सागरीय लवणता, यानी जो ओशन में सैलिनिटी है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए पेज नंबर लूसेंट में 82 और क्रॉन में 146 to 147 के बीच आपको मिलेगा सागरीय लवणता, जल मंडल में, हाइड्रोस्फीयर में मिलेगा आपको। जस्ट दूसरे इसके कुछ आगे वाले पार्ट में आप जान लें कि ओशन में 2 ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो ओशन का टेम्परेचर और उसकी सैलिनिटी, तो यहाँ पर आप सैलिनिटी पढ़ेंगे। आपका लूसेंट में हार्डली बहुत 5-6 लाइंस में ही केवल दिया हुआ है, ज़्यादा बेटर ढंग से क्रॉन में दिया हुआ है, लेकिन इसे आप पढ़ेंगे कि सैलिनिटी, मैक्सिमम सैलिनिटी यानी लवणता किस सागर में है और एवरेज कितना होता है, ये सब एग्जाम्स में दिखाई देते हैं। इससे संबंधित आप क्वेश्चन भी देख लें। देखिए ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है, क्योंकि सैलिनिटी पर इसी तरह के प्रश्न ही दिखते हैं, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। चौथा टॉपिक हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया, लिया है एक महादेश को ही हमने पूरा लिया है। इंटरेस्टिंगली पूरा
आपको जो कॉन्टिनेंट है वो हमने आज उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आपको पेज नंबर 163 और लूसेंट में 80 पर ये मिल जाएगा, कॉन्साइज फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ रेगुलर ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आता है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए कालगुरली कुलगाड़ी बहुत महत्वपूर्ण सोने की खाने हैं, जिस तरह के किम्बरले साउथ अफ्रीका में सोने का बड़ा ही महत्वपूर्ण माइन है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कालगुली कुलगाड़ी तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आप कर लें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक साइंस में दो टॉपिक कर रहे हैं, इसमें केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यानी विलयन करेंगे। सॉल्यूशन मतलब ये कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम मिक्स करते हैं, जो मिक्सचर जो तैयार होता है वो किस तरह का होता है, धुआं किस तरह का मिक्सचर है। उसके बाद अगर हम कहें दूध, सबसे अच्छा उदाहरण देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में भी आपको दिखाई दे जाएगा कि दूध दरअसल किस तरह का सॉल्यूशन है। तो गैस का गैस में, गैस का सॉलिड में, सॉलिड का गैस में, इस तरह के मिक्सचर। धुआं दरअसल किस तरह से गैस में सॉलिड का मिक्सचर है, जिसे एरोसोल कहते हैं। जिस तरह के दूध पानी में, पानी लिक्विड में, लिक्विड का सॉल्यूशन है, विलयन है, जिसे हम लोग पायस कहते हैं। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ये इस मिक्सर को आप विलयन को करें, पेज नंबर 404 आप क्राउन में और 222 सल्यूसेंट में करें। छठा टॉपिक हमने बायोलॉजी से लिया है, कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम, हड्डी तंत्र आप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंगली बाह्य और आंतरिक दोनों स्तरों पर हड्डी तंत्र जो है हमारा है, बाल और नाखून यानी हेयर और नेल जो हमारा है ये भी हड्डी है, हड्डी तंत्र का स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है इंटरेस्टिंगली। तो ये पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट बोन, शॉर्टेस्ट बोन, फेस में कितना बोन है, हमारे ब्रेन में टोटल कितने बोन हैं, हमारा जो पीच बैक बोन है उसमें कितने बोन्स होते हैं। तो इस तरह से आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आप देख लें, देखिए क्वेश्चन किस तरह के बीपीएससी में आते हैं। ये बनने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत टफ नहीं है, टफ आगे भी दिखेंगे, टफ क्वेश्चन भी। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन ऐसा है जो बनने वाला है, स्केलेटल सिस्टम। रेगुलर साइंस के क्वेश्चंस आपको बीपीएससी में दिखाई देंगे। आज का सातवां जो टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी से है, ये हमने भारतीय संविधान का विकास टॉपिक लिया है, यानी किस तरह से जो हमारा संविधान बना उसका बैकग्राउंड, जो ब्रिटिश काल में हमारे यहाँ अलग अलग रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए, इनके बारे में आपको पढ़ना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक के, इंडिपेंडेंस तक के, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट आए उनको आपको पढ़ना है। ये देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन ये इन दोनों बुक्स में कॉन्साइज फॉर्म में दिया हुआ है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत उम्मीद है कि बन जाएंगे। तो इसे आप करें। लूसेंट में इसका हेडिंग है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, ये यहाँ हेडलाइन है लूसेंट में, जबकि क्राउन में भारतीय संविधान का विकास। तो दोनों पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं, इसे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम्स में दिखाई देते हैं वो भी आप देख लें। इस तरह के प्रश्न आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप अगर जब पढ़ेंगे आपके दिमाग में बातें रहेंगी तो क्वेश्चन भी बनेंगे। आइए आज का आठवां टॉपिक जो इकोनॉमी से है, ये महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न से संबंधित है। सरकारी कंपनियां जो मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं उन्हें नवरत्न कंपनियों के रूप में डिवाइड किया गया, जो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के रूप में डिवाइड किया गया है अलग अलग। देखिए इसमें इकोनॉमी में आपको थोड़ा सा इंटरनेट का हेल्प लेना चाहिए। आप इंटरनेट चुके, मैगजीन में जो डेटा है वो ओल्ड डेटा है, बहुत सा इसमें परिवर्तन, इकोनॉमी में रेगुलर परिवर्तन होता रहता है। तो मिनी रत्न, जैसे मिनी रत्न को फिर कई पार्ट में बांटा गया है, तो आप इससे नेट से देखकर टोटल मिनी रत्न कंपनियां कितनी हैं, महारत्न और नवरत्न, नवरत्न तो अब 16 ही बची, पहले 17 थी, और इस तरह से महारत्न कंपनियां जो पहले अब 8 हो गई हैं। तो ये आप थोड़ा सा मैगजीन्स के साथ इंटरनेट का हेल्प लेकर देखने का प्रयास करेंगे, अपडेटेड फॉर्म में अभी रिसेंट 2018 में कितने महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां हैं। देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में दिखाई दे रहे हैं। देखिए मिनी रत्न से ये रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो बनेगा भी। आज का नाइन्थ, नवा क्वेश्चन राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ से रिलेटेड है, ये जीके का क्वेश्चन हमने एक एवरीडे हम उठाते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं, चूँकि पिछले दिनों भी एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने किया और आज राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ,
ये करेंगे, यानी जहां पर अंग्रेजों का शासन रहा वैसे देशों का संगठन कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल कहलाता है। ये आप लुसेंट क्राउन में देख लें, साथ ही एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ये भी आप देखें, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए क्वेश्चन बनने वाला है राष्ट्रमंडल से संबंधित यहाँ पर भी। और अब दसवां और आखिरी टॉपिक बिहार से रिलेटेड, यहाँ पर हमने पत्र पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स एंड पेपर्स हमने उठाया है। बिहार में सबसे पहला अखबार कौन सा था हिंदी और अंग्रेजी केवल आप करें, पेज नंबर 367 क्राउन में है, लूसेंट में ये नहीं है ठीक ढंग से, इसलिए हमने उसके पेजेस नहीं दिए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होता है माफ़ करें, क्राउन का बिहार स्पेशल, चूँकि बिहार को तो आपको बिहार स्पेशल से करना होगा, ये आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, आपको बिहार स्पेशल से करना होगा। कोई भी बुक, चाहे वो केबीसी नैनो हो, विवास हो, या फिर क्राउन हो, या कोई और बुक, आप बिहार स्पेशल से पत्र पत्रिकाएं करें, यानी मैगजीन्स एंड पेपर्स। बिहार में किस तरह से पहला पेपर और मैगजीन छपा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको करने हैं। तो ये 10 टॉपिक्स आज के हैं, उम्मीद है कि इन टॉपिक्स से आपको लाभ मिलेगा, आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से करें। इनका उद्देश्य यह है कि जब इन टॉपिक को आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका, अगर आपके पास टाइम है, पढ़ने का दिल है, तो थोड़ा सा आगे पीछे भी आप पढ़ लेते हैं, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाता है। तो इस तरह से आप करें, जल्द ही अगला टॉपिक आपके सामने आएगा। अभी आपसे इजाज़त लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत हो आप कमेंट करें, हम जहाँ तक संभव होता है आपके जवाब भी देते हैं। अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।